एक एलिमेंट है डेल्टा एल वेक्टर, कुछ छोटा सा एलिमेंट है डेल्टा एल वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है डेल्टा एक्स आई कैप, यानी कि ये एलिमेंट कहां पर पड़ा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 × 10⁻²⁻ मीटर है। तो आपको इसमें एलिमेंट की लेंथ दे दी, डायरेक्शन दे दी कहां पर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है लेकिन डायरेक्शन कहां पर है इसकी एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर एलिमेंट आई कैप है तो करंट भी एलिमेंट के साथ यानी कि आई कैप का लॉन्ग होगा, तो करंट राइट जा रहा है, एलिमेंट ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पर वाई एक्सिस पे, कितनी दूरी पे, 0.5 मीटर पे। तो ये आर है, आर डिस्टेंस पे निकालना है, 0.5 मीटर पे आपको बी की बी निकालना है, बी नहीं निकलेगा डी भी निकलेगा, क्यों एलिमेंट छोटा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही निकलेगा, तो यहां पर डी भी निकलेगा। यही क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ कि इसमें एंगल डीएल कहां पर है, राइट, डीएल कहां पर है राइट, वाई एक्सिस पे आर कहां पर है वाई एक्सिस पे, तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर में एंगल क्या है 90, तो एंगल थीटा 90, तो बायट सेवर्ट लॉ क्या कहते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90/r² म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना होता है 10⁻⁷, करंट कितना गिवन है 10, डीएल की लेंथ क्या गिवन है 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², साइन कितना 90, और आर की जगह 0.5 मीटर का स्क्वायर। इतने टेस्ट टेस्ला आंसर आ गया, एक आंसर आ गया टेस्ला में, पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, डायरेक्शन देखें राइट हैंड, करंट कहां पर है राइट, ये रहा करंट, थंब कहां पर होगा राइट, पॉइंट कहां पर है ऊपर, तो बी कैसे होगा बाहर, चेक करो करंट अगर इधर है तो बी कहां पर होगा बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड आंसर में लिखेंगे आउटसाइड या लिखेंगे डॉट, या लिखेंगे डॉट तो भी सही है, या लिखेंगे आउटसाइड तो भी सही है, या लिखेंगे जेड एक्सिस तो भी सही है, या लिखेंगे के कैप तो भी सही है, या लिखेंगे आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर तो भी ठीक है, जो मर्जी लिखने की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसका आंसर देना आप लोगों ने, कोई डाउट इसमें राइट?